तो बेसिकली आज की हमारी क्लास में बात करेंगे इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के। जी हाँ, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप इससे पहले की जितनी भी क्लासेस आपने सीखी उसमें देखा कि हमने एक मॉड्यूल्स बनाया और मॉड्यूल्स के अंदर हमने कोड किए और उस कोड को रन करने के लिए हमने यहाँ पे उस कोड को रन करने के लिए हमने ट्रिगर किया या माइक्रो से, बटन से, शॉर्टकट से हमने ट्रिगर किया, तब जाके रन हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी पर्टिकुलर माउस इवेंट पे मेरा जो माइक्रो है रन हो जाए। ओके, जैसे मैं चाहता हूँ कहीं भी सिलेक्ट करूँ तो मैं वो एरिया कलर्ड हो जाए। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसी पे व्यू कोड या फिर इसी पे सीट पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए वर्कशीट और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए इवेंट। ये लोकेशन हुआ और ये इवेंट हुआ, और इवेंट में हमने यहाँ पे कर दिया कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी वी रेड ग्रीन ब्लू। मैं अब कहीं भी क्लिक करूँगा तो कलर हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है इसका, तो चलिए एक छोटा सा रिपोर्ट हम आपको तैयार करते हैं, उसके बताते हैं इसका फ़ायदा क्या है। हालांकि इसका यूज हम लोग ज़्यादातर डैशबोर्ड्स में करते हैं। और यहां पे हमने कुछ फिगर ले लेते हैं, फिगर को मैंने यहां पे बड़ा किया, कॉपी वैल्यू पेस्ट। अब मैंने हेडिंग को यहां रखता हूं नीचे, यहां पे नंबर देता हूं और ऑफसेट फॉर्मूला की मदद से ऊपर को सेलेक्ट किया और हमने रेफरेंस दिया इसको 0 कॉलम्स। ये पूजा आ गई। आगे ड्रैग करने से पहले हमें A5 को, जो हमारा 1 है, उसको फ्रीज करना होगा और फिर इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे 2 डालूँगा तो 2 का डेटा, 3 डालूँगा तो 3 का डेटा आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके हमने बना दिया चार्ट, एक चार्ट जो है यहाँ पर हमने बना लिया। ठीक है, ये चार्ट हमने बना लिया। अब क्या है कि अब मैं यहाँ पे अगर चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ अच्छा सा, ये सही रहेगा। अब मैं यहाँ पे 1 किया तो 1 का रिपोर्ट आया, 3 किया 3 का, 4 किया तो 4 का रिपोर्ट आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टाइप ना करूँ, मैंने पूजा पे क्लिक किया तो मेरा रिपोर्ट पूजा के अकॉर्डिंग आया, मोहन पे क्लिक किया तो मोहन के अकॉर्डिंग आया, इंद्र पे क्लिक किया तो इंद्र के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, हम ये करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम जो है इसको छोटा करके मैं डेटा को हिडन कर देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीट हमारा सीट 2 है यहाँ पे, सीट 2 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, और सिलेक्शन चेंज में हम बोलेंगे यहाँ पे ये आपका है A15 रेंज A15 डॉट वैल्यू इक्वल टू, ये क्या हो गया, इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो -1। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपका 2 आ गया, आ गया मोहन, यहां पे 3 आया कविता। आ रहा है ना सर? तो भुवन जी, अतुल जी, समझ में आया तो डाउट इसमें? सर रो डॉट -1 क्योंकि ऑफसेट में एक कम चाहिए होता है ना। ठीक ठीक
ठीक है सर एक सर एकम मतलब क्या आपने कहा था सर? कि ऑफसेट में मैं एक यहाँ कम क्लिक चाहिए। करूँगा तो रो नंबर 4 आपका नेम से स्टार्ट है ना यहाँ पे, लेकिन जी सर यहाँ पे नंबर हमें तो नेम चाहिए ना, तो अगर जी मैं पूजा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना सर, तब तो पूजा आएगा, पूजा का डेटा ऑफसेट लाएगा इसलिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 ना करूँ तो क्या होगा, 2 टाइप होगा, ये कोड 2 टाइप करेगा ना सर, क्योंकि तो रो नंबर 2 है बट हमें तो चाहिए 1 इसलिए -1 किया हमने, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अभी परफेक्ट नहीं है, एक कोड परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ का भी दे दिया। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है, वैलिडेशन लगाना है कि भाई A2 से मैंने 2 नंबर रो से 11 नंबर रो के बीच में ही जब क्लिक हो तो ये हमारा कोड वर्क करे, अदरवाइज कोड वर्क ना करे। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे, यहाँ देंगे कि इफ, यहाँ पे एक काम करते डिम लगाते कि डिम आर एज ए लॉन्ग, आर कोमा सी तीनों करना है, सी भी करना है कोमा सी एज ए लॉन्ग। और यहाँ पे हमें करना है कि आर इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट, ये गलत हो गया, सेल डॉट रो, और फिर सी इक्वल टू और कंडीशन देंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन 1 एंड आर इज लेस देन इक्वल टू 11 एंड सी इज इक्वल टू 1 देन ये चले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए वर्क कर रहा है, लेकिन कहीं और क्लिक करूँ तो वर्क नहीं करेगा, समझे। है समझ में सर? तो इसी तरह से और भी जो सिलेक्ट है इवेंट है, जैसे कि एक्टिवेट, अगर सीट एक्टिवेट हो तो मुझसे पासवर्ड पूछे, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए कंडीशंस यहाँ पे कि आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स यहाँ दीजिए कि प्लीज एंटर पासवर्ड, ओके। और इसको लगा दीजिए आप किसमें, लूप, डू लूप में कि डू आर इज नॉट इक्वल टू 1 2 और डू वाई और यहाँ पे लूप, ठीक है। अब जैसे मैं सी यहाँ पे सीट 2 पे हूँ, सीट 1 पे आऊँगा उसे पासवर्ड पूछेगा। अब जब तक मैं यहाँ पे पासवर्ड 1 2 ना डाल दूँ तब तक मुझे इस पर वर्क नहीं करने देगा। अगर मैंने गलत पासवर्ड डाला, यहाँ पे गलत पासवर्ड डाला तो अगेन पासवर्ड पूछेगा, ठीक है सर। तो इवेंट मैक्रो होता है जिस आप अपनी जो प्रोग्रामिंग रखें और किसी पर्टिकुलर इवेंट पर रखें तो तभी वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं करेगा, दैट कॉल इवेंट मैक्रो। तो एक दो एग्जांपल समझाया, आपको समझ में आया कि इवेंट मैक्रो क्या होता है? भुवन जी, अतुल जी, कमान जी, दिक्कत इसमें? हाँ सर,
अब इसमें जो अगला ऑप्शन आता है ए, जो इसमें और क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिफोर डिलीट, अगर सीट को डिलीट करने से पहले मैसेज देगा, बिफोर डबल क्लिक, कहीं पे डबल क्लिक करते हैं तो मैसेज देगा, बिफोर राइट क्लिक, राइट क्लिक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट फॉर्मूला, अगर अपना रिजल्ट चेंज करता है तो क्या करेंगे चेंज, अगर आप कहीं पे कर्सर कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या होगा डीएक्टिवेट, आप डीएक्टिवेट करते हैं तो कैसे होगा, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, पिवट टेबल अपडेट होता तो क्या होगा, सिलेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, टेबल अपडेट होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। और चलिए इस पर मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ, मुझे चेंज जो है आपको मैं बताया था चेंज का आपको यूज करना है, और मुझे ये बताना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे डेट और टाइम, अब आपको करना है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे नाम लिखता है पूजा लिखा तो ऑटोमेटिक इसके सामने जिस समय जिस दिन और जिस समय टाइप कर रहा है उसका डेट एंड टाइम आ जाना चाहिए, समझे। हेलो विजय जी, गुड आउट, आपको समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ चेंज पे चेंज इवेंट को यूज करते हुए आप एक ऐसा माइक्रो बनाओ जो कि हम किसी का नाम लिखे तो उसके अगले दो कॉलम में उसका डेट एंड टाइम आ जाए। ये आप लोगों का होमवर्क है, करके मुझे भेज दीजिए और भी